ये जो देख रहा है ना कापादही, यहाँ से लेके यहाँ तो पूरा पड़ा है, देख रहा है ना, ही पर्दा ना पूरा, ये पूरा पर्दा है यहाँ से यहाँ तक ये फटा हुआ है। तो अभी इसका कितना दिन हो गया बोला है मारा वाला? 3 दिन। 3 दिन यम, उसका मतलब आपको पानी से बचना है। हाँ, 2 महीना वेटिंग पीरियड है। जितना भी थ्रोमा मारा वाला हो उसको हम लोग 2 मंथ्स वेटिंग रहा, डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करते हैं। फटने में ही पूरा पति दू पति लहसन, इसको डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑपरेशन करने का वो नहीं, हीलिंग करने का टाइम देता है ना। लेकिन हीलिंग पीरियड में पानी से बचना है, साबुन पानी, उसके बाद डुबकी नहीं लगाना है, नदी में नहीं नहाना है, ओके, स्विमिंग पूल वगैरह में नहीं नहाना है, स्विमिंग नहीं करना है, समझ गया ना? तो ये प्रिकॉशन लेने। अभी क्या क्या तकलीफ होता है? तपा माद, वही हियरिंग लॉस। और क्या है? यंग अमादो, यंग अंदर में यंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? उसके बाद साउंड आने से डायरेक्ट मतलब यहाँ में तकलीफ होना चाहिए, डायरेक्ट मतलब साउंड, तो क्योंकि हमें अभी डायरेक्ट साउंड साउंड को तो ये प्रोटेक्शन देता है तो, लेकिन अभी साउंड प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो इसका वजह से आपको यहाँ में डायरेक्ट साउंड आएगा। चक्कर आम आई, चक्कर यो काम आई। कौन मारा था बोला है? भैया सर, भैया अपना असली भैया। तो पुलिस केस होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, पुलिस केस नहीं होगा ना। तो पुलिस केस होने से हम लोग रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसको प्रिंट करके देना पड़ता है, क्योंकि पुलिस लोग उसको चाहिए ना। लेकिन अपना भैया लोग समझा मारा, रहा था, समझा नहीं रहा, बदमाशी किया था होगा? नहीं ऐसे कुछ तो नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर गए। कुछ बदमाशी किया होगा तो इसलिए तो मारा बदमाशी तो नहीं होगा। बदमाशी करने से मार खाएगा? चलो ठीक है, लेकिन ये तक 2 महीना तक तो वेट करना है। हाँ, दवाई हम लिख देगा, लेकिन 2 मंथ्स के बाद फिर आपको यहाँ आना होगा, रिव्यू करेगा, रिव्यू करके अगर ऑपरेशन ज़रूरत पड़ेगा तो उस समय बोलेगा, अभी के लिए ऑपरेशन ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन खाने से हो जाएगा। हाँ, अभी आप लोग देखा है ये जो कान से नहीं मारना है, अपना भाई होने से भी, गुस्सा होने से भी कान से नहीं मारना है, कान का बहुत सेंसिटिव होता है। अभी देखो मारने की वजह से ये जो ऑपरेशन करना पड़ सकता है, तो इसलिए इसको मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड लोग भी वाइफ को मारता है और भाई लोग को भी मारता है एज ए पनिशमेंट। उसके बाद फिर ये पुलिस लोग भी जो ड्यूटी करता है ट्रैफिक वायलेशन वगैरह में भी मारता है ना, तो कान को मारने से इस तरह से होता है। इसलिए कभी कान को नहीं, कान कान से नहीं मारना है, कान से मारने से कान बहुत, कान का पर्दा बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए इस तरह से फट सकता है। तो इसलिए घर में जो भी कुछ पनिशमेंट वगैरह या कुछ करेक्टिव मेजर्स होने से भी अलग पनिशमेंट देना है, कान कान से नहीं मारना है। तो ये थे हम आज आप लोग को अवेयरनेस देने के लिए।